हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट अतुल गोयल। आज हम डिस्कस करेंगे फार्मा सेक्टर की एक कंपनी सेनोफी इंडिया के बारे में। इसको डिस्कस करने के कुछ रीजंस हैं, फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, बोथ। अगर आप इसका शेयर का प्राइस अभी देखेंगे, लाइव मार्केट में 7900 के आसपास चल रहा है। मार्केट कैप इस कंपनी की 18,000 करोड़ प्लस की है। EPS 196 की है। PE अगर इंडस्ट्री की देखेंगे तो 39 के आसपास की है, जबकि इसकी PE ऑलमोस्ट सेम ही है 40 की। डिलीवरी जो कल इसकी हुई है वो 58% की है, जो कि काफ़ी हैवी डिलीवरीज हैं। डिविडेंड हिस्ट्री बहुत ही अच्छी है इस कंपनी की। डिविडेंड परसेंटेज अगर देखेंगे फेस वैल्यू 10 पे तो 34.90% का इसने डिविडेंड पे आउट किया, जो कि यील्ड बनता है 4.42% का। अगर प्राइस देखेंगे तो एक नैरो रेंज के अंदर ये मूव कर रहा है काफ़ी टाइम से। तो अगर आप इसका डिविडेंड हिस्ट्री देखते हैं तो आप देखेंगे कि 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 2020 काफ़ी हेल्दी इसने डिविडेंड्स पे आउट किए हैं और रेगुलर डिविडेंड पेइंग कंपनी है ये। और अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं, प्रमोटर्स के पास इसका 60% शेयर्स हैं, प्लज एक भी शेयर नहीं है इसका। FII के पास होल्डिंग अच्छी है इसकी 12.42%, DII के पास 20.39% है, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड और बैंक्स के पास भी इसकी होल्डिंग्स हैं। और जो जनरल पब्लिक है उसके पास इसकी होल्डिंग अराउंड 6% के आसपास की है एज पर सितंबर। अगर हम इसके वेबसाइट पे देखते हैं, 1 लाख प्लस इम्प्लॉयज हैं इनके और 170 प्लस कंट्रीज में ये लोग काम करते हैं। इंडिया में सिंस 1956 से है और फार्मा कंपनी सेक्टर की कंपनी है। अगर सेनोफी इंडिया के टेक्निकल्स देखते हैं और फंडामेंटल्स देखते हैं तो मार्केट कैप 18,000 करोड़ का है, जो मैंने आपको अभी बताया, और डिविडेंड यील्ड बहुत ही अच्छी है। ROC रेशियो वगैरह अगर देखते हैं 28.4% है। ROE रिटर्न ऑन इक्विटी 19.4 का है। और अगर चार्ट को आप देखते हैं तो ऑलमोस्ट ये अपने 200 डे DMA पे बिल्कुल काम कर रहा है, उसके बिल्कुल नियर बाई है, जो वहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। प्रोज में देखेंगे कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है और जो डिविडेंड पे आउट है कंपनी का, जो प्रॉफिट से पे आउट होता है, 98.22% का पे आउट है डिविडेंड का। अगर आप इसके फाइनेंशियल देखते हैं क्वार्टरली, दिसंबर 2017 में देखेंगे तो सेल 670 करोड़ की थी, जो कि जून में बढ़ के 710 करोड़ की हो गई है और सितंबर में 687 की थी। और अगर प्रॉफिट देखेंगे, दिसंबर 2017 में इसका जो प्रॉफिट था 76 करोड़ का था, जो कि बढ़ के 133 करोड़ का हो गया। सितंबर क्वार्टर जो हुआ है 76 से बढ़ के 133 करोड़ का हुआ है। अगर इसके ईयर ऑन ईयर अगर आप रिजल्ट्स देखते हैं, सेल्स जो थी इसकी दिसंबर 2008 में 995 करोड़ की थी, जो कि बढ़ के अभी 3000 करोड़ की हो गई है। आप देखेंगे 995 ऑलमोस्ट 1000 करोड़ से 3071 करोड़ की हो गई है, जो कि ऑलमोस्ट 3 times है। अगर इसका प्रॉफिट देखते हैं आप, जो कि दिसंबर 2008 में 166 करोड़ का था, जो कि 414 करोड़ का हो गया है। तो TTM भी अगर आप इसका देखते हैं तो 452 करोड़ का दिखा रहा है। तो बहुत ही इम्प्रेसिव जो रिजल्ट्स हैं इसके, रिजल्ट्स बहुत इंप्रेसिव हैं इसके। अगर सेल्स ग्रोथ आप देखते हैं, 10 इयर्स की 12% है, 5 इयर्स की 9% है, 3 इयर्स की 9% है। और प्रॉफिट कंपाउंड आप देखते हैं, कंपाउंडेड प्रॉफिट जो देखते हैं, 10 इयर्स का 11% है, 5 इयर्स का भी 18% है और 3 इयर्स का 14% है। स्टॉक प्राइस जो है, जो CAGR है उसका, 10 इयर्स का 15% है, 5 इयर्स का 13% है, 3 इयर्स का 22% है और 1 ईयर का 13%। आप देखेंगे कि RD और FD जो कि अभी 6% या 7% के आसपास का रिटर्न देती हैं, किसी बैंक में 6% है, किसी बैंक में 7% है और मोस्टली बैंक्स में 6% से लो ही है। अगर आप इसका स्टॉक का प्राइस का CAGR देखते हैं 10 इयर्स का, तो 15% इसने ईयर ऑन ईयर रिटर्न दिए हैं स्टॉक प्राइस पे, और 5 इयर्स में भी 13% दिए हैं और 3 इयर्स में, लास्ट 3 इयर्स में 22% के ईयर्स रिटर्न इसने जनरेट किए हैं। इवन इन करंट ईयर 13% के रिटर्न इसने जनरेट किए हैं। अगर आप देखते हैं इसके प्रमोटर्स होल्डिंग, जो मैंने आपको पहले भी बताया था और इस साइट पर भी इसने क्लियर दिखा रखा है, प्रमोटर्स के पास 60% है, जो कि
कांस्टेंट है दिसंबर 2017 से, इक्विटी शेयर्स उन्होंने अपना प्लज या बेचा नहीं है, एक भी शेयर को बेचा नहीं है। अब हम इसके अगर हम इसके ग्राफ को देखते हैं डेली बेस के जो चार्ट है इसका, मैं जीरोधा एप्लीकेशन यूज करता हूं तो जीरोधा का चार्ट है ये। तो अगर आप देखेंगे 9000 जो है इसका अपर रेजिस्टेंस बना हुआ है, 9000 को इसने टच किया था 25 अगस्त को, उसके बाद ये अगेन 8000 के पास आया, अगेन 9000 के पास गया, यहाँ पर आप देखेंगे अगेन 9000 गया है ये, और 8000 और 9000 के बीच में ये काफ़ी टाइम से मूव कर रहा है। आप देखेंगे कि इसने 8000 को जो क्रॉस किया था वो 4 अगस्त के आसपास क्रॉस किया है, और उसके बाद से ये 8000 और 9000 के बीच में मूव कर रहा है। अब ये अपने बिल्कुल जो स्पॉट जोन के आसपास मूव कर रहा है। डाउनसाइड अगर आप इसमें देखेंगे तो 100 रुपये ज़्यादा 200 रुपये इससे ज़्यादा कि इसके अंदर डाउनसाइड नहीं है, पर अगर ये 9000 को क्रॉस करता है जो 11000 ये इजीली अचीव करेगा, सिर्फ इसे 9000 को क्रॉस करना है। अगर इवन आप 9000 के लिए भी इसे रखते हैं तब भी आपका 10% से ऊपर रिटर्न इसमें बनता है, जबकि डाउनसाइड इसके अंदर 100 से 200 रुपए की है जो कि 1 या 2% के आसपास की बनती है, बट अपसाइड आपकी विद इन 2 or 3 months ही है 9000 तो इजिली अचीव करेगा जो कि 10 से 12% बनता है। और अगर आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं तो 10,800 या उससे भी ज़्यादा रिटर्न ये दे सकता है। सेकेंडली, फार्मा सेक्टर से ये कंपनी बिलोंग करती है। COVID-19 की वजह से एवरी कंपनी जो फार्मा सेक्टर की है इस टाइम हाईलाइट है, और सभी वैक्सीन बनाने में लगी हुई हैं, तो फार्मा सेक्टर वैसे भी परफॉर्म करेगा आने वाले टाइम में। निफ्टी 13,000 क्रॉस कर चुका है, अपने लाइफ टाइम हाई पर है, पैसा सभी मिड कैप स्मॉल कैप में जा रहा है, वहां से पैसा निकलेगा तो फार्मा, आईटी और एफएमसीजी में ही मूव करेगा दोबारा, क्योंकि ये सेफ हेवन माना जाता है। तो आप इसके अंदर धीरे धीरे अकोमोलेट कर सकते हैं। अकोमोलेशन का मतलब है स्टॉक को धीरे धीरे अकोमोलेट करना, बाय का मतलब होता है एक सिंगल लॉट में बाय कर लेना, तो आप इसे धीरे धीरे अकोमोलेट कर सकते हैं। ये इतनी जल्दी फास्ट मूव नहीं करेगा कि एकदम से हाथ से निकल जाएगा, आप धीरे धीरे इसे अकोमोलेट कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के हिसाब से। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।